सिद्धार्थ नगर सनई चौराहे पर टीम समर्पण के तत्वाधान में सुभाष चंद्र बोस जयंती का आयोजन किया गया। जनपद सिद्धार्थ नगर के सनई चौराहे पर टीम समर्पण के तत्वाधान में सुभाष चंद्र बोस जयंती का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि डुमरियागंज सांसद जगदम्बा पाल, विशिष्ट अतिथि जिला अधिकारी सिद्धार्थ नगर कुणाल छिलकू एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह रहे। इस आयोजन में मुख्य अतिथि द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। वही जिला अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा माल्यार्पण कर सांसद जगदम्बा पाल द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन परिचय पर प्रकाश डाला गया और तत्पश्चात जिला अधिकारी द्वारा अपना संबोधन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 122वीं जयंती पर उनके द्वारा देश हित में किए गए नेतृत्व को लेकर काफी चर्चा की गयी। जो तमिलनाडु से लेकर के जो मलाया की तरफ जाती थी जिंदिया मजदूर, आधी महिलाएं वो थी और सुलोन वर्ग की थी महिलाएं। ये देखने वाली बात है कि कितना एक तो मजदूर वर्ग का तबका, सुलोन वर्ग की महिलाएं दोनों साथ साथ काम किया। और जो इसे सीखने वाली बात है, ये तो हम चलो जानते हैं, तुम ये खून जो कर ये आज़ादी दूंगा, तुमने चले आज दीवारों पर लिखा रहा था नारा, किसने दिया था? ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, तुमने चलो कोई बात जानने वाली। लेकिन इससे ज्यादा समझने वाली अख्तियार करने वाली बात है, तमाम वैचारिक मतभेद के बावजूद सारे लोग एक साथ मिलकर के राष्ट्र के निर्माण में उन्होंने योगदान दिया और अपने विरोधों को सपनों के दुख में नहीं आने दिया। राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्रवादिता में उनका जो योगदान है, ठीक है हमारे किसी का धर्म दल को अलग बात हो सकती है, कि आज के समय में अंतर विरोधों के कैसे एक्सीडेंट हुआ कैसे नहीं हुआ वो उन तमाम आश्चर्य होंगे। लेकिन इस अवसर पर समाज को, लड़कों को, युवा पीढ़ी को भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद